ये क्वेश्चन है आपको यहाँ पर हाफ पैरामीटर और इसमें आपको डायमेंशंस मीन्स लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। तो ये आप ये रेक्टेंगल है और ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो लेट लेंथ एल इक्वल आपका एक्स मीटर और जो ब्रेथ है या वाइड बी इक्वल वाई मीटर। अब ये जो हाफ पैरामीटर लिखा है, फुल पैरामीटर 2l प्लस 2b होता है, 2l प्लस 2b, तो हाफ पैरामीटर होगा 1l प्लस 1b, तो वो हाफ पैरामीटर कहलाता है। और ये हाफ पैरामीटर आपका गार्डन जो है वो है कितना 36 मीटर, क्योंकि ये लाइन इसको कवर करेगी। तो आप यहां पर लिखेंगे हाफ पैरामीटर इक्वल 36 मीटर, तो हाफ पैरामीटर एल प्लस बी 36 और ये एक्स प्लस वाई इक्वल 36, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल 36। फिर इसके बाद आपको ये बताया गया है कि लेंथ, लेंथ मीन्स एक्स एल इक्वल 4 प्लस विड्थ मीन्स y। तो आपको दूसरा जो स्टेटमेंट है वो ये कहा जा रहा है कि l लेंथ इज मीन्स इक्वल लगाइए, 4 लिखिए, मोर मीन्स प्लस, देन विड्थ, विड्थ मीन्स है यहां पर ब्रेथ के रूप में आपका b। तो l आपका x है 4 प्लस वाई, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल 4। ये इससे प्रॉब्लम है। अब इसे आप थोड़ा अरेंज करेंगे, x प्लस वाई माइनस 36 इक्वल 0 और ये x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल 0, ये हुआ। अब इसमें फिर आप कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंगे तो यहां पर ए वन इक्वल 1, बी वन इक्वल 1 और सी वन इक्वल माइनस 36 और यहां पर कोई नंबर नहीं, तो 1 सपोज कर लीजिए, यहां भी कोई नंबर नहीं 1 सपोज कीजिए, तो ए टू इक्वल 1, बी टू इक्वल माइनस 1 और सी टू इक्वल आपका माइनस 4। अब रेशियो बनाएंगे ए वन अपान ए टू, ए वन अपान ए टू, तो ए वन है 1 और ए टू है 1, तो 1 अपान 1 तो मीन्स 1 आएगा। बी वन अपान बी टू, तो बी वन 1 है और बी टू माइनस 1, तो यहां माइनस 1 आ रहा है। और सी वन अपान सी टू माइनस 36 अपॉन माइनस 4, ये नहीं आ रहा। आपने देखा कि ए वन अपॉन ए टू की वैल्यू 1 है और बी वन अपॉन बी टू के लिए माइनस 1 है, ये दोनों अनइक्वल है। तो ए वन अपॉन ए टू अनइक्वल बी वन अपॉन बी टू, ये मिल रहा है। ए वन अपॉन ए टू इक्वल अनइक्वल बी वन अपॉन बी टू, इसलिए ये यूनिक सोल्यूशन है, मतलब लाइंस जो इसका जो ग्राफ आएगा वो लाइन इंटरसेक्ट करेगी और ये सॉल्यूशन मिलेगा हमको इसको, और ये इस तरह से कंसिस्टेंट कहलाएगा, ये कंसिस्टेंट कहलाएगा, मतलब संगत हल है प्राप्त होगा, यहां तक आपको प्राप्त करना है। अब यदि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं तो सबसे बेस्ट मेथड होती है एलिमिनेशन की, जिसमें आपको x प्लस वाई
इक्वल 36 और दूसरा प्रॉब्लम में आपका रहा एक्स माइनस वाई इक्वल 4। एलिमिनेशन में क्या होता है कि प्लस वाई माइनस वाई ये दोनों इक्वल नंबर हैं, इक्वल नंबर हैं, इसलिए पहले नंबर इक्वल होना चाहिए और दूसरा अपोजिट साइन होना चाहिए, डिफरेंट साइन होना चाहिए, तब ये कैंसिल होते हैं, तो ये एलिमिनेट हो गया। ये एलिमिनेशन मेथड कहलाती है। ये मतलब विलोपन विधि हिंदी में मेथड। और ये x प्लस एक्स मतलब 1x प्लस 1x 2x और ये हो जाएगा आपका 40। तो x इक्वल हो जाएगा 40 अपॉन 2 मीन्स 20 मीटर। आ गया फुट x इक्वल 20 इन इक्वेशन 1। तो यहां पर आप वैल्यू रखेंगे 20 प्लस y इक्वल 36, तो y इक्वल 36 माइनस 20, तो y इक्वल 16। तो आप लेंथ जिसे आप x कहते हैं वो 20 मीटर आया और ब्रेथ वाइड विथ जो है वो y इक्वल 16 मीटर प्राप्त हो गया है। तो इस तरह से ये 3.2 वाली एक्सरसाइज का ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसके आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको सॉल्व होता है वो भी बताता हूं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसी 3.2 का, इसमें आपको एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है, गिवन है लीनियर इक्वेशन टू एक्स प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। अब राइट एनादर लीनियर इक्वेशन। अब इसके बाद यदि आप इक्वेशन नंबर 1 दिया गया है, अब आपको दूसरा इक्वेशन लिखना है जो आपको ये बताना है कि ये कब इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएगा, कब पैरेलल लाइन बन जाएगा और कब को इंसिडेंट लाइंस में आ जाएगा, ये क्लियर करना है। तो ये यदि आपके पास A1 B1 और ये C1 दिया हुआ है, अब आपको A2 B2 और C2 के रूप में ऐसा इक्वेशन लिखना है जिससे वो इंटरसेक्टिंग लाइन प्राप्त हो जाए। तो फर्स्ट फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 का जो रेशियो वो डिफरेंट होना चाहिए। तो आप ऐसा प्रॉब्लम लिखेंगे जिससे इसका जो रेशियो बनेगा A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 वो उनका रेशियो इक्वल नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए आप इसमें ये आप इक्वेशन अपने मन से 3x प्लस 5y प्लस 7 या माइनस 8 कुछ भी लिख सकते हैं। यहां पर C1 चलेगा, C1 जरूरी नहीं है कि माइनस 8 ही आए, माइनस 8 भी आ सकता है, 9, 7, 3 कुछ भी लिख सकते हैं आप, डिफरेंट वैल्यू लिख सकते हैं और सेम वैल्यू लिख सकते हैं, पर ये वैल्यू ऐसा डिफरेंट वैल्यू लिखिए जैसे इनका जो रेशियो है वो अनइक्वल होना चाहिए। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। इसमें आप समझ रहे हैं कि ये A2 है और ये B2 और ये C2। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 आ रहा है, मतलब 2 अपॉन 3 नॉट इक्वल 3/5। फिर उसके बाद आपका सेकंड में दिया है पैरेलल लाइंस प्राप्त करना है।
इंटरसेक्टिंग लाइन में ये हो जाता है आपका, पैरेलल लाइन में आपको मतलब समांतर रेखा के लिए ये प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है, समांतर रेखा के लिए पार पैरेलल लाइंस, इसमें आपको नो सॉल्यूशन प्राप्त होगा और नो सॉल्यूशन तभी प्राप्त होगा जब ए वन अपॉन ए टू इक्वल बी वन अपॉन बी टू हो और सी वन अपॉन सी टू अनइक्वल हो से। तो इसका मतलब आप टू थ्री का आप डबल कर लीजिए या वही नंबर लिख दीजिए सेम नंबर, तो ऐसा लिख सकते हैं आप, जैसे आपने फोर एक्स सिक्स वाई आपने ऐसा डबल कर लिया, और इसमें आप डबल ना करके कोई डिफरेंट नंबर लिख दीजिए, जैसे मान लो आपने नाइन लिख दिया है, जिससे ये अनइक्वल रेशियो बन जाए। अब इस बार यदि हमने इस इक्वेशन को देखा तो अब फर्स्ट एंड सेकंड इसको आप चलो अभी थोड़े के लिए हमने थ्री दे दिया है आपको ना, आप ये भी समझ सकते हैं कि पहला इक्वेशन हम इसी को रखते हैं, दूसरा इक्वेशन नया जनरेट करना है इसमें आप ध्यान दे देंगे, ये नंबर टू पर आप विचार नहीं करेंगे, आप जो आपका नया इक्वेशन बना है इस पर विचार कीजिए आप। अब इस इक्वेशन में आप जैसे थ्री लिखते हैं तो वन एंड थ्री पर देखिए आप, वन एंड थ्री का जो रेशियो बन रहा है आपका टू अपॉन फोर आ रहा है, मतलब ए वन ये ए टू है बी टू है और ये सी टू है, तो ए वन अपॉन ए टू इक्वल बी वन अपॉन बी टू आ रहा है, क्योंकि इसमें टू अपॉन फोर आएगा ए वन अपॉन ए टू जिससे वन अपॉन टू मिल रहा है, और बी वन अपॉन बी टू थ्री अपॉन सिक्स मतलब इससे भी वन अपॉन टू आ रहा है, तो ये इक्वल हो रहा है, पर सी वन अपॉन सी टू नॉट इक्वल, क्योंकि सी वन अपॉन सी टू की जो वैल्यू है वो माइनस एट अपॉन नाइन हो रही है, इस तरह से आपको डिफरेंट वैल्यू लेना है। आप अपने मन से ही कोई भी नंबर ले सकते हैं, आप इसका थ्री टाइम्स ले सकते हैं, जैसे टू है तो यहां पर टू थ्री या सिक्स, थ्री थ्री या नाइन ऐसा ले लीजिए, और यहां और कोई नंबर ले लीजिए, यहां पर आप थ्री एट थ्री या 24 माइनस 24 नहीं लिख सकते। फिर नंबर थ्री है फॉर आपका को इंसिडेंट, को इंसिडेंट मीन्स संपाति, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ये तो उसके लिए आप इस इक्वेशन को तो आप लिखेंगे ही, जैसे ये 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल जीरो ये गिवन था आपका। अब आपको ये पहला इक्वेशन दिया है, अब आप यानी कि अगला जो इक्वेशन बनाएंगे वो आप ले लीजिए 2x ले लीजिए 3y ले लीजिए माइनस 8, या फिर आप ऐसा कर लीजिए 4x 6y और माइनस 16 कर दीजिए, हर चीज को डबल कर लीजिए सेम नंबर से, तो ये नया इक्वेशन जो बन गया। अब इसका जो रेशियो है ये इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन का है, क्योंकि ए वन अपॉन ए टू टू अपॉन फोर, इससे भी आंसर वन अपॉन टू आ रहा है, बी वन अपॉन बी टू थ्री अपॉन सिक्स, इससे भी आपको वन अपॉन टू प्राप्त हो रहा है, और सी वन अपॉन सी टू माइनस एट अपॉन माइनस 16 और इससे भी वन अपॉन टू आ रहा है, मतलब तीनों रेशियो इक्वल आना चाहिए, तब ये आपका कोएफिशिएंट के लिए सेकंड इक्वेशन प्राप्त हो गया। इसमें आपने डबल तो किया पर इसको डबल नहीं करके कोई नया नंबर लिख दिया, जिससे ये बस रेशियो इक्वल रहेगा इस प्रॉब्लम के साथ, ठीक है, और दूसरा आपका ऐसे ही रहेगा। अब यहां पर ही लिख देता हूं मैं, जिससे यानी कि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये पहला इक्वेशन चलिए, अब ये ए वन हो गया, ये बी वन और ये सी वन, और ये इस तरह से आपका इसमें यहां पर ये नंबर था और ये चेंज हो गया है। अब इस तरह से ये वाली एक्सरसाइज का मेन प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको 3.3 के प्रॉब्लम सॉल्व कराए जाएंगे। थैंक यू।